So, random video again I'm making, especially for the Deepak Jain 2.0 channel. So, आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरा, right? मॉर्निंग में वर्कआउट भी किया. एक चैलेंज आया था मॉर्निंग में वर्कआउट करने में, क्योंकि मैं हमेशा मेरे मेंटर के साथ, मेरा जो कोच है पॉल सर, उनके साथ मैं वर्कआउट करता हूँ. लेकिन आज वो नहीं आए थे, फ़ोन भी नहीं उठाए थे, तो मेरा माइंड बोल रहा था मुझे क्या दीपक आज नहीं चलते हैं ना, राइट? वैसे भी पॉल सर नहीं आ रहे हैं. तो यही मोमेंट होता है जब हमारे पास एक्सक्यूज़ रहते हैं. बट माइंड को एक चीज़ मैंने, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वही बताता हूँ, वो ये कि मैंने माइंड को बोला, दीपक क्यों शुरू किया फिर तूने जिम? तुझे अगर नहीं मारना था वर्कआउट तो तूने क्यों शुरू किया? तो जा, यही तो तेरी लड़ाई है, राइट? जब तेरे कोच नहीं है, तेरे सर नहीं है तेरे साथ, जो तुझे शायद, और मैं आपको बताऊँ, मैंने आज बहुत अच्छा चेस्ट वर्कआउट किया. और सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा उसमें ये था कि मैं 20 केजी का डंबल, मुझे लगा कि शायद मैं पहले इवन 17 केजी नहीं मार पाता था मैं, क्योंकि कोच की ज़रूरत पड़ती थी खासतौर से सपोर्ट के लिए. बट अभी मैंने 17.5 केजी वाला भी डंबल मारा, राइट? जो बेंच प्रेस बोलते हैं, और 20 केजी भी मारा मैंने, एंड आई एम सो प्राउड. बहुत अच्छा लगा मुझे. और उसके अलावा मैंने आज वीडियो भी बनाया गार्डन में जाके, किताब मैंने पढ़ना शुरू किया, फोकस्ड हुआ मैं, खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ यार, राइट? एंड बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर काम करना. दीपक जैन वर्जन 2.0 जो है वो मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को. और फिर आज मैंने सेशन भी बहुत ही अच्छा लिया, ख़ासतौर से आज हम लोगों ने, यू नो, हमारा 3 और 4 दिसंबर को हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है, 2 दिन का इवेंट, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को. और जब वो इवेंट होगा ना बॉस, तो तमाशा करने वाले अभी हम लोग, तमाशा दुनिया देखेगी. तो ये जो माइंडसेट जो चल रहा है ना अभी, कि बहुत तगड़ा चल रहा है यार, राइट? कुछ ऐसी चीज़ें, अचानक सी चीज़ें हुई मेरे लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें. और बोला जाता है ना, जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है तो कुछ बढ़िया करते हैं. सो बढ़िया, आज सेशन भी बढ़िया रहा, सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. और सबसे इम्पॉर्टेंट यार, खुद को, खुद की नज़रों में मैं आज प्राउड फील कर रहा हूँ, मज़ा आ रही है. और अभी हम लोग वीडियो भी बनाने वाले हैं, आई थिंक सो, मुझे लगता है मैं 10 वीडियो बनाने वाला हूँ, 10 रील्स. और मुझे यहाँ पर सलोत्री सर सपोर्ट कर रहे हैं, देखेंगे सलोत्री सर हैं. कैसा लग रहा है सर आपको अभी? जबरदस्त, करोड़ों में कोई एक इस तरीके का डिसीजन ले पाता है. आई एम प्राउड ऑफ यू सर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो ही इज़ अमेजिंग, राइट? बहुत सारी चीज़ मुझे रोज़ विजुलाइजेशन कराते हैं सर, ग्रैटिट्यूड कराते हैं. और कुछ कनेक्शन यार, पता नहीं, ऐसे अचानक हो जाते हैं. और कुछ रिश्ते बहुत अलग लेवल पर रिस्पेक्ट देते हैं हमें, राइट? नो डाउट, इस साल में जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, राइट? बहुत सारे लोग हैं यार, मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली मेम्बर्स है, वही लोग, पता ही देता हूँ, वही लोग छोड़ के चले गए. तो दुख हुआ मुझे बहुत, बट मैंने बोला ठीक है, कुछ रीज़न के कारण हुआ होगा ये सारा चीज़. फिर और भी कुछ घटनाएं हुई, तो कुछ नहीं, बस बड़ा करना है. आग लगी पड़ी है, तो ये आग जो है ना, ये आग बुझने मत देना आपके अंदर के भी. देखो, आपके पास एक इमोशनल रीज़न होना चाहिए, फिर आप कुछ भी करोगे, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, बिलीव मी. मैंने सोचा था, देखो मेरी कार खड़ी हुई है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, यही मेरे सपना है, जैगवार मुझे लेना है, जैगवार, राइट? और वो करीब, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि 70 से 90 लाख रुपए तक आएगी, या 1 करोड़ तक आएगी, आई डोंट नो, लेट्स सी. वो जल्दी आने वाली है, 1 महीने के बाद 1.5 महीने में मेरी, यू नो, रॉयल इनफील्ड आ रही है 350 मेट्योर. और अगले साल तो, यू नो, हमारे कंपनी में 3 से 4 कार आने वाली है, उसके लिए पूरी शुरुआत कर दी है. और अगले साल 2023 तो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है. तो हम पूरे अनोखा ब्रेन टीम, हम लोग सभी लोग बहुत मस्त करने वाले हैं. बस यार, रोज़ एक सवाल मैं अपने आप को, वैसे पूछता ही हूँ, लेकिन फिर भी अभी तो और जोश है, एक सवाल अपने आप को ज़रूर पूछूंगा कि दीपक, आज का दिन जो रहा, क्या तूने बेस दिया? क्योंकि 10 अप्रैल 2023 के लिए 6 दिन मेरे बीत चुके हैं, एंड आई एम गोना डू माय बेस्ट. सो दैट्स इट. अभी वीडियो बनाएंगे यार, थोड़ा पर्सनालिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बाइसेप वगैरह दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत दिख रहा है यार, थोड़ा चेस्ट पे. सो एक साल के अंदर बढ़िया पर्सनालिटी रहेगी. और फिटनेस में मेरे जो इंस्पिरेशन है, 2 पर्सन है बताना चाहूँगा, वन ऑफ माय फ्रेंड एंड मेंटर आल्सो, उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ सीखा है, साकेत सालपेकर. और उनका स्टेटस देखा था मैंने, उनको मैसेज भी किया,
सो ही इज़ द इंस्पिरेशन, क्योंकि वो भी पहले बहुत ही पतले थे, उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने बॉडी में और आज फिट फिल्स चलाते हैं, ही इज़ द इंस्पिरेशन। शायद वो वीडियो देख रहे होंगे कभी ना कभी, या दिखाऊंगा उनको। और विराट कोहली, विराट कोहली यार बॉस, ही इज़ अ लीजेंड राइट। वो जो पर्सन है, करोड़ों में कोई एक दो पर्सन में ही वो भूख होती है इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी आगे बढ़ने की, शायद मेरे अंदर भी वही चीज़ है। तो अब कुछ करना है, तूफान करेंगे, मज़ा आने वाला है। तो आप भी अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, क्या मैंने आज बेस्ट दिया? नहीं दिया तो नींद क्यों आएगी यार, नींद नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए मिलते हैं यार जल्दी, थैंक यू।